सो फाइनली दोस्तों सिंघम अगेन के टीजर को लेकर एक बार बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो लेकर आया हूं, लेकिन गाइज ये क्या, सिंघम अगेन का साला शूटिंग कंप्लीट नहीं हुआ फिर से दोस्तों। 11 सितंबर तक शूटिंग चल रहा है, रीशूट हो रहे हैं, क्लाइमेक्स के पार्ट में बदलाव कर दिए गए रोहित शेट्टी के द्वारा। और ये क्या बदलाव किए गए हैं दोस्तों, रोहित शेट्टी का विजन क्या है, क्या सोच रहे रोहित शेट्टी भाई साहब, दिमाग हिला देगी फिल्म भाई, इसको सिंघम अगेन को हल्के में मत लेना। और ये अजय देवगन की फिल्म है, कैमियो नहीं है उनका भाई। जो छपरी लोग इस फिल्म को हेट कर रहे हैं, बता दूं कि अजय देवगन की इस फिल्म में अजय देवगन का फुल फ्लेज रोल होने वाला है। एंड रोहित शेट्टी अजय देवगन मसाला मिर्ची कॉम्बिनेशन भाई बॉलीवुड पे ना 500 करोड़ तो भाई मैं कह रहा हूं छोटा बैलेंस है, 1000 करोड़ की फिल्म है दोस्तों। ये वीडियो पूरा देखना, लाइक कमेंट करना, भाई रवि चौधरी प्यार देना, गाइस चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर करना। आइए शुरू करते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच, फॉर योर लव, फॉर योर काइंडनेस, आप इतना प्यार कर रहे हो और अपने भाई को इतना सपोर्ट कर रहे हो कि छपरी लोगों की जल रही है। अब ये नहीं बताऊं क्या जल रही है गाइस, आपको बता दूं सबसे पहले अक्षय कुमार फैंस को, तमाम व्यूवर्स जो अक्षय कुमार को पसंद करते हो, बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार 96 खिलाड़ी 786 एंड इंटरनेशनल खिलाड़ी। और जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। अक्षय कुमार हेरा फेरी 3 से हम चाहते कम बैक हो। अक्षय कुमार को आज के दिन 57 58 है, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा, बट ऑफकोर्स 57 58 के हो चुके हैं। सो हैप्पी बर्थडे टू अक्षय कुमार सर, हम ये चाहते हैं कि हमारा पूरा परिवार आपके लिए शुभकामनाएं देता है आपको, और आपके लिए प्रे करता है कि भैया आप हजारों साल जियो और 1000 साल में 10,000 फिल्में लाओ। साला जो लोग बोलता है कि महीने में 5 फिल्म लाता है, बोलने दो भैया, अपने को अक्षय कुमार की फिल्म चाहिए हर दिन, बनाते रहो, हम आपके साथ हैं, करेंगे फुल सपोर्ट, डोंट वरी। लेकिन हाँ सन्नी पाजी के साथ थोड़ा सा क्लैश में अवॉइड करो प्लीज यार, हमारा भी दिल दुखता है। सो गाइस अक्षय कुमार जी हम बस यही चाहते हैं, और आप जियो 1000 साल। गाइज आज के दिन हमने ये फैसला किया था कि शायद कुछ बड़ा आ सकता है। ऑफ कोर्स अजय देवगन सर और रोहित शेट्टी इन्होंने अक्षय कुमार को बधाई दी है। गाइज एक बहुत बड़ी खबर जो मेरे को मिली हुई है, जी हाँ दोस्तों बता दूँ आपको कि सिंघम अगेन का टीज़र अब 16 तारीख हुई पूरी उम्मीद है दोस्तों। आज भी चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि अब ये खबर आ चुकी है, क्या बोलते हैं, रोहित शेट्टी जो है वो एक रीशूट कर रहे हैं, क्लाइमेक्स के पार्ट बदलाव ला रहे हैं। अब उससे साफ साफ दिख रहा है कि आज तो टीजर नहीं आएगा, तो दोस्तों टीजर जो है वो कम से कम आप 16 तारीख की उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों, 16 तारीख की उम्मीद की जा रही है कि टीजर 16 तारीख को आएगा। अब एक्शन सीन्स क्या बदलाव कर रहे हैं, हमने भी पीछे न्यूज सुनी थी कि सिंघम अगेन के अंदर 25 करोड़ का खर्चा लगा है, बहुत महंगा क्लाइमेक्स हुआ है, सिर्फ मात्र आधे घंटे क्लाइमेक्स में 25 करोड़ लगा दिया, ऐसा क्या था उस क्लाइमेक्स पार्ट में। सो गाइज आपको बता दूं कि वो क्लाइमेक्स पार्ट ऐसा होने वाला है, वो कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, पूरी फिल्म में अगर क्लाइमेक्स बढ़िया तो सब कुछ बढ़िया, और क्लाइमेक्स खराब तो सब कुछ खराब। तो रोहित शेट्टी ने दोस्तों क्लाइमेक्स पार्ट को इतना ज्यादा मजबूत बना रखा है कि जब लोग थिएटर से बाहर निकलेंगे ना तो भाई साहब लोग यही बोलेंगे आउटस्टैंडिंग, मजा आ गया, पैसा वसूल, सीटियां तालियां बजती रहेगी, ऐसा क्लाइमेक्स पार्ट को रोहित शेट्टी ने रखा हुआ है। एंड एक बार फिर से बड़े बदलाव कर दिए गए दोस्तों, मैं बोलता हूं ना कि ये फिल्म, बार बार बोलता हूं ये फिल्म अजय देवगन साहब की है। इस फिल्म के अंदर यस कैमियोस मल्टीपल स्टार एंड बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर, आपको एलिमेंट्स सरप्राइज बहुत मिलेंगे, बट दोस्तों वो सिर्फ हाइप बनाने के लिए 1-2 मिनट सीन के लिए है, बाद में उनके स्पिन ऑफ देखने को मिलेंगे इन द बैनर ऑफ रोहित शेट्टी। लेकिन गाइज आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ ये फिल्म बाजीराव सिंघम की है, फकत बाजीराव सिंघम आला उसकी फिल्म है एंड अट्टा माजी सटकली उसकी फिल्म है। गाइज मैं लेता नहीं मैं देता हूं, सबको याद होगा ना डायलॉग ये। सो कहीं ना कहीं दोस्तों अजय देवगन की फिल्म है ये, एंड आपको बता दूं कि जो पार्ट है क्लाइमेक्स का उसके सबसे खास बात क्या होने वाली है, तो ये जो फिल्म है दोस्तों सिंघम अगेन थर्ड पार्ट, एक बिग फ्रेंचाइजी जिसके अंदर टाइगर श्रॉफ, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर खान, रणवीर सिंह एज ए सिम्बा, अक्षय कुमार, रणबीर कपूर का भी कैमियो, सूर्या का कैमियो, यहाँ तक प्रभास का कैमियो, कार्तिक आर्यन का भी कैमियो बताया जा रहा है। वेल लेट्स सी, अगर ऐसा होता है तो मजा ही आ जाएगा। सलमान खान का कैमियो की बात की जा रही थी, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टार, देयर आर लॉट्स ऑफ कैमियोस गाइस एंड अनबिलीवेबल, बट लेट्स सी दोस्तों क्या होता है, तो फिल्म को देखने के बाद ही समझ में आएगा। सो ये जो पूरी फिल्म है दोस्तों सिंघम 3, ये रामायण के रेफरेंस से जुड़ी हुई है, एंड रामायण में एज ए राम बोले तो अजय देवगन, सीता बोले तो करीना कपूर, एंड दोस्तों रावण बोले तो डेंजर लंका, आप समझ लो दोस्तों। तो इसमें दोस्तों रामायण की रेफरेंस से जोड़ा गया है, एंड रोहित शेट्टी जो क्लाइमेक्स में बदलाव कर रहे हैं वो ये है कि भाई कम से कम पहला जब ये शूट किया गया था दोस्तों, पहला इंस्टॉलमेंट था जब शूटिंग का, तो एक विले के अंदर 500 लोगों की गैदरिंग की रिक्वायरमेंट थी, जहां पर बहुत बड़ा ह्यूज क्राउड में शूट किया गया था।
तो उसमें 500 लोगों की जरूरत थी गाइस। इसके साथ ही साथ दोस्तों अब क्योंकि हमें लगा था कि इसका प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है, लेकिन अचानक सरप्राइज देख के मैं हैरान हो गया कि भैया क्लाइमैक्स अभी भी छूट रहा है, उसमें और बदलाव किए जा रहे हैं। तो अभी दोस्तों एक फिर से आपको बता दूं कि ह्यूज क्राउड में शूट होना बाकी है एंड अजय देवगन जल्द ही कुछ दिनों में ज्वाइन करेंगे इस क्लाइमैक्स भाग को, जो कि 11 तारीख तक चलेगा ये क्लाइमैक्स पार्ट। लगभग दोस्तों 3 से 4 दिनों का क्लाइमैक्स पार्ट फिर से शूट किया जाएगा और उसके अंदर फिर से दोस्तों आप कह रहा हूँ 25 करोड़ खर्चा और बढ़ गया। अब इस क्लाइमैक्स पार्ट में क्या होगा, उस क्लाइमैक्स पार्ट में ये होगा दोस्तों कि डीमोन्स यानी कि राक्षस के रोल में, राक्षस के गेटअप में, डेमोन्स के गेटअप में लगभग बहुत सारे जूनियर स्टार कास्ट को कास्ट किया गया है, उनको ड्रेसअप दिया गया है, उनको गेटअप दिया गया है राक्षसों का। एंड आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो फेस है पूरी कहानी से इंटरलिंक है, अभी तो फिल्म को देखने के बाद ही समझ में आएगा। एंड ये पूरा शूट किया जा रहा है जिसमें अजय देवगन की रिक्वायरमेंट है। अभी अजय देवगन जो है दोस्तों सन ऑफ सरदार 2 यूके की शूटिंग खत्म करने के बाद अभी दे प्यार 2 की शूटिंग में व्यस्त है, बट एक दो दिन के अंदर वो भी अब व्यस्त हो जाएंगे सिंगम अगेन के इस क्लाइमैक्स पार्ट को दोबारा शूट करने के लिए। और ये जो पार्ट होने वाला है बेहद ही खतरनाक पार्ट होने वाला है, ठीक है। एंड इसके अंदर साथ ही साथ दोस्तों रोहित शेट्टी का क्या विज़न होगा, रोहित शेट्टी क्या सोच रहे हैं और उनका जो एक कंसेप्ट है, जो उनका एक डायरेक्शन है दोस्तों इस पर्टिकुलर शॉर्ट्स के लिए, कहां से जोड़ना है, राक्षसों की एंट्री दिखानी है, मतलब पूरी फिल्म रामायण से जुड़ी हुई है। अब ये तो फिल्म को देखने के बाद ही समझ में आएगा कि क्या ही पार्ट निकल के आएगा, क्या ही आउटपुट आ रहा है, क्या ही इनपुट आ रहा है। सो वेल दोस्तों, बट यस ये 11 तारीख तक शूट रहेगा और 11 तारीख के बाद ही वो उम्मीद कर सकते हैं कि अब टीजर आएगा 16 तारीख को, 11 तारीख तो हम यही उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अभी शूटिंग कंप्लीट होगा। सो गाइज ये थी बड़ी अपडेट क्लाइमैक्स पार्ट को अभी चेंज करने की, इसके साथ ही साथ टीजर 16 तारीख को आ रहा है। एंड गाइज बस फिंगर क्रॉस, बुक माई शो पर बवाल मची रहा है, यहाँ तक कि पेटीएम पे भी एडवांस इंटरेस्ट बढ़ रहा है दोस्तों। और सिंगम अगेन एक बहुत बड़ी फिल्म है जो मुझे लगता है कि फर्स्ट डे की ओपनिंग 100 करोड़ क्रॉस वर्ल्ड वाइड जाएगी, क्योंकि जब आप थिएटर में बैठे हो और अजय देवगन की एंट्री होगी स्कॉर्पियो से, तो भाई साहब जो वो एक बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है ना, वो आपको हिला देगा, आपके कान के ना बत्ती और आपकी नॉस्टैल्जिया पीछे पास्ट में लेके जाएगा। सो गाइस वेट करते हैं टीजर के लिए, और ये टीजर ऐसा आने वाला है जो मुझे लगता है कि एक माइंड ब्लोइंग एंड ऐसी फिल्म होने वाली सिंगम अगेन, जो 2024 की वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन फिल्में होंगी, क्योंकि ऐसे तो एक्शन फिल्में बहुत आई है दोस्तों। अक्षय कुमार की एक्शन फिल्म आई थी बड़ी मियां छोटी मियां, बट चली नहीं क्योंकि उसमें स्टोरी नहीं था, इमोशनलेस था। बट इस फिल्म के अंदर स्टोरी भी होगा, इमोशंस भी होगा, VFX भी होगा एंड एक्शन भी होगा। गाइस क्या लगता है, आर यू रियली एक्साइटेड फॉर सिंगम अगेन टीजर? क्या दोस्तों 16 तारीख को ही टीजर आएगा, क्या उम्मीद करते हैं? एंड गाइस क्या सिंगम अगेन बॉलीवुड की 2024 की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म होगी जो स्पिरिट 2 के रिकॉर्ड तोड़ दे? कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, सिंगम अगेन, अजय देवगन फैन असेंबल हियर एंड फुल सपोर्ट गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय।